हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरे पास कई टाइम से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारे परसेंटेज बहुत स्लो इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स ये कह लो कि इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये किस रीजन की वजह से हो रहा है और क्या हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है वल्ट्री वालों से कुछ होगा नहीं। तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि भाई आप ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे आप अपने परसेंटेज को फास्ट इंक्रीज कर सकते हैं, और इस प्रॉब्लम का मेन रीजन क्या है वो भी आप बता देना। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप सभी के लिए वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में आप सभी को परसेंटेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जैसे कि फ्रेंड्स ये परसेंटेज क्यों इतने स्लो इंक्रीज हो रहे हैं, इसका क्या मेन रीजन है, और क्या हम खुद अपने परसेंटेज को फास्ट इंक्रीज कर सकते हैं, और हाँ अगर हम परसेंटेज को फास्ट इंक्रीज कर सकते हैं खुद तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। गाइज, इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप लोगों को और वीडियो वॉच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए गाइज आप लोग लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में आपको परसेंटेज को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, और वीडियो वॉच करने के बाद आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं कि क्यों हमारी परसेंटेज इतनी स्लो इंक्रीज हो रही है, इसका क्या मेन रीजन है। फ्रेंड्स, सबसे पहला रीजन है सर्वर डाउन होना। ये वल्ट्री पे आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। कभी कभी सर्वर डाउन होने की वजह से आपके परसेंटेज दो दो दिन तक नहीं बढ़ते, जिसके चक्कर में आप वल्ट्री पे ऐप यूज भी करते हो फिर भी आपके परसेंटेज इंक्रीज नहीं होते, और इसी की वजह से आपके परसेंटेज में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ जाता है। और सेकंड रीजन है गाइस, वल्ट्री पे ऐप का क्रैश हो जाना। क्रैश हो जाना और सर्वर डाउन की प्रॉब्लम लगभग सेम ही है। क्रैश की प्रॉब्लम में आपका परसेंटेज फ्रीज हो जाएगा, और सर्वर डाउन में आप सभी को पता ही है कि हम गेम को यूज ही नहीं कर पाते, और अगर ऐड भी वॉच करते हैं फिर भी कोई परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ता। और फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना किसके परसेंटेज फ्रीज हो गए हैं, और अगर परसेंटेज इंक्रीज भी होते हैं तो वो बहुत कम इंक्रीज होते हैं। वल्ट्री पैप वाले परसेंटेज को ऐसे इंक्रीज करते हैं जैसे वो पोलियो की दवा दे रहे हों, दो बूंद जिंदगी की। और थर्ड रीजन गाइस वल्ट्री वाले ही हैं। इन सालों ने इतना परसेंटेज को कम कर दिया है, चाहे आप कितनी भी एड्स को वॉच कर लो फिर भी आपके परसेंटेज कुछ नहीं बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आज ही की बात कर लो, मैंने इतने सारी एड को वॉच किया है फिर भी मेरे परसेंटेज कुछ भी नहीं बढ़े। परसेंटेज का स्लो इंक्रीज होना सबसे मेन रीजन वल्ट्री पैप वाले ही है। उन लोगों ने ही परसेंटेज को बहुत स्लो इंक्रीज कर दिया है ताकि आप सभी को बहुत टाइम बाद मनी मेकिंग डॉग मिले। वल्ट्री पैप ये बहुत गलत कर रहा है। अगर ऐसा ही वल्ट्री पैप करता रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि वल्ट्री पैप जल्दी ही डूबने वाला है। लोग इतने पागल नहीं है कि वो फालतू में एप्लीकेशन को यूज करेंगे। अभी बस वल्ट्री पैप अपना प्रॉफिट देख रहा है। वल्ट्री पैप बस ये सोच रहा है कि हम जल्दी से लॉस से बाहर आ जाए। अगर फ्रेंड्स ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि वल्ट्री पैप कभी भी लॉस से बाहर आ पाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा करने से वल्ट्री पैप अभी लॉस से बाहर नहीं आ सकता तो कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स अब इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम अपने परसेंटेज को कैसे फास्ट इंक्रीज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे भी एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्या खुद हम परसेंटेज को फास्ट इंक्रीज कर भी सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो नहीं, पहले की बात कुछ और थी। फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पहले की वीडियो में कहा था अगर आप स्पिन से ऐड देखोगे तो आपके परसेंटेज बहुत फास्ट इंक्रीज होंगे, और जो थोड़ी बहुत रेफर वाली ट्रिक थी अगर आप रेफर करोगे तो उससे आपके परसेंटेज फास्ट इंक्रीज होंगे। अब ये सब ट्रिक काम नहीं आती फ्रेंड्स, पहले की बात अलग थी। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे 1000 रेफर होने वाले हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे परसेंटेज कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो 0.01% हो रहे हैं। तो आप सभी सोच सकते हैं कि मेरे 1000 रेफर होने के बाद भी मेरी परसेंटेज इतनी स्लो इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप लोग क्या ही उम्मीद करोगे। ये सब काम वल्ट्री पैप ने ही किया है, और वल्ट्री पैप ही इस चीज को ठीक कर सकता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है गाइज। इसीलिए हम बस वेट कर सकते हैं कि वल्ट्री पैप इस प्रॉब्लम को कब फिक्स करेगा और कब से फिर हमारे परसेंटेज फास्ट इंक्रीज होंगे। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वल्ट्री पैप जल्दी ही इसे फिक्स कर दे ताकि आप सभी को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। फ्रेंड्स इस वीडियो से मेरा यही बताने का मेन मोटिव था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और अगर इस टॉपिक के अलावा और कोई आपके डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट जरूर करें, मैं जल्दी ही उस टॉपिक पे भी वीडियो लेके आऊंगा। बस अब फ्रेंड्स वीडियो को ही रैप अप करते हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी, और आपका जो भी यूनिक क्वेश्चन है वो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उनको पक्का कवर करेंगे।
अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, आप सभी ने मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं, और ऐसे ही आप लोग आगे भी साथ देते रहे हमारा। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को फिर से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। अब मेरी फैमिली में 2000 मेंबर हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही हमारे मेंबर बढ़ते रहेंगे।